देखिए जयपुर में लगातार मैं आपको तस्वीरें गलता घाट की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोग लगातार जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और अब लोगों का जो जाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। कुछ महिलाएं हैं और पुरुष हैं जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, जो जो गलता जी का घाट है वहाँ पर जो है जल में उतरे हुए हैं और अपनी जो पूजा है वो कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो विशेष पूजा अर्चना का दौर है वो चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धा का एक आस्था का जो केंद्र है वो नज़र आ रहा है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर आ रही है। लगातार लोग इस छठ के पर्व को यहाँ पर मना रहे हैं और तमाम जो पूजा की जो विधि है जल में डुबकी लगाकर जो तमाम महिलाएं वो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रही हैं और तमाम लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैडम आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से मनाया जाता है छठ का पर्व, क्या कुछ विशेष है आज, क्या इम्पोर्टेंट रहता है आज? आज का सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे इस माता सीता से भी जुड़ी हुई हैं ये कहानियाँ, उसके बाद फिर कर्ण से भी जुड़ी है कहानियाँ, उसके बाद माता कुंती हुई, तो सभी काफ़ी पहले से पुराणों से ये सब कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, तब से छठ माँ की पूजा की जाती है सूर्य देव की। आज आप कितने अर्घ आपने दे दिया, दोगे आप या खाली जो फास्ट रखते हैं वही अर्घ देते हैं? नहीं, अर्घ तो सभी दे सकते हैं लेकिन जो फास्ट करते हैं वो गिनती घर के कोई खास ही लोग होते हैं जो मेन वो करते हैं, बाकी अर्घ देने के लिए तो कोई भी दे सकते हैं। तो देखिए आप जो घर के जो मुखिया हैं तमाम लोग हैं वो सूर्य को अर्घ देकर यहाँ से जा रहे हैं। गलता का जो घाट है यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे थे और जब से दोपहर से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो लाखों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आके और अपनी विशेष जो पूजा अर्चना छठ पे होती है, तीसरा दिन आज छठ महापर्व का है, लोग लगातार यहाँ से पूजा अर्चना करके और जा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो पूरी तस्वीरें दिखाएं गलता घाट की, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो रास्ता है वो पूरा भरा हुआ है, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि जयपुर का जो सबसे पुराना तीर्थ इसको कहा जाता है गलता घाट को, सबसे मुख्य तीर्थ स्थान जयपुर का है, लोग यहाँ लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। लेकिन छठ पर्व के दिन भी यहाँ पर जो विशेष रौनक है वो राजधानी जयपुर में देखी जा रही है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं वो लगातार पूजा कर रही हैं और तमाम तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पर महिलाएं आई हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं कि जो विशेष तौर से जो पूजा है वो यहाँ पर कर रही हैं और लोग हैं वो घाट में स्नान कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से अभी बातचीत करेंगे जो तमाम तैयार मतलब साजो श्रृंगार के साथ यहाँ पर आई हैं, पूजा की तमाम सामग्रियों के साथ यहाँ पर पहुँची हैं और लगातार जो है पूजा अर्चना है वो यहाँ पर कर रही हैं और लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से राजधानी जयपुर में मना रहे हैं। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और देखिए जो जयपुर की जो तस्वीर है वो लगातार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाते रहें कि जो किस तरह से जो छठ का पर्व है वो यहाँ पर लोग मना रहे हैं और जो तस्वीर जो निकल के आ रही है यहाँ पर जो आस्था का एक बड़ा केंद्र है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि जब से मैं दोपहर से आया हूँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आ रहे हैं। कुछ महिलाएं जो तैयार होकर आई हैं छठ के पर्व को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। मैडम आज किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है, क्या विशेष महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी? एक्चुअली क्या है ना, छठ हमारा धार्मिक पर्व है, मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, मेरा नाम प्रिया है। एक्चुअली क्या ना, ये हमारा धार्मिक पर्व है, ये 3 दिनों का होता है। पहले तो ये खरना से स्टार्ट होता है, देन सांझ का अर्घ होता है, सुबह का अर्घ होता है और ये इसमें धार्मिक मान्यताएं बहुत सारी जुड़ी हुई है। इनका जो मेन प्रसाद होता है ना वो एक्चुअली ठकुआ होता है। बाकी आज क्या बनता है? आज ठकुए बनता है और केले वगैरह का भोग लगाया जाता है सूर्य देव को, उगते सूर्य को भी और ढलते सूर्य को भी। कल सुबह क्या पूजा होती है? कल सुबह जो पर्व होता है वो 4 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे सुबह से महिलाएं जो है पानी के अंदर खड़ी रहती है, हमारी माताएं बहने, फिर सुबह वो सूर्य को अर्घ दे के वो अपना निर्जला व्रत तोड़ती है, जो निर्जला व्रत पूरे 36 आवर्स का होता है। मैडम आप बिहार और यहाँ में कितना अंतर दिख रहा है? यहाँ पर एक्चुअली क्या है, रौनक तो वही है, मैं खुद यहाँ मैं जयपुर में, मैं बिहार से ही हूँ सीतामढ़ी से, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ जयपुर में ये देख रही हूँ, पर रौनक तो वही दिख रहा है मुझे यहाँ भी, जैसा बिहार में रौनक है, पटना बिहार में सीतामढ़ी में वैसा यहाँ भी रौनक है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ के लोग यहाँ रहते हैं यूपी बिहार झारखंड के, सब महिला पुरुष साथ में त्यौहार मनाते हैं। आपको कैसा लग रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है इस त्यौहार को लेकर? बहुत अच्छा है, बराबर हम लोग छठ पूजा में गाँव जाते थे, इस बार जा नहीं पाए तो पता चला यहाँ पे बहुत अच्छा छठ पूजा होता है तो हम देखने आ गए। देखिए जो लोग अपने घर गांव नहीं जा पाए वो जयपुर में इस जो महापर्व जो मनाया जा रहा है छठ की जो पूजा राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में हो रही है उसमें शामिल हो रहे हैं क्योंकि यहां पर भी जो रौनक है वो उसी तरह से है। पूरे विधि विधान के साथ लोग लगातार काफ़ी लंबे समय से लोग जो है जल में खड़े हुए हैं और जल में डुबकियाँ लगा रहे हैं और जो एक मान्यता है कि जल में स्नान किया जाता है तमाम डुबकियाँ लगाई जाती हैं,
कुछ इस तरह से यहाँ पर भाई साहब किस तरह से मनाया जाता है, कहाँ से आए हैं? सर मैं राजा पार्क्स हूँ, वैसे एक्चुअली मैं देखा जाओ तो बिहार से हूँ। कैसे मनाते हैं आज, कितना आपको तस्वीरें जो देख रहे हो आप, माहौल यहाँ पे देख रहे हो, कितना किस तरह से देखते हो? यहाँ मैं समथिंग 20 साल से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे गलता जी में लाखों की संख्या में यहाँ पे छठ मनाया जा रहा है ना सर। लेकिन ये बहुत बढ़िया पर्व है, सभी मनाए जाते, सभी धार्मिक के मानी तो अनन्या आप तस्वीरों में देख रहे हो किस तरह से जो गलता घाट पर लगातार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैमरा पर्सन लगातार आपको वो गलता घाट की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं, लोग पानी में जल में डुबकी लगा रहे हैं और जो पूजा का जो महत्व होता है छठ के पर्व पर वो लगातार इन तस्वीरों में जो आस्था का जो महासैलाब है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार वो पुरुषों की तस्वीर दिखाएं जो जल में काफ़ी देर से जो गलता घाट है यहाँ पर खड़े हुए हैं और हाथों में नारियल लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं वो दीपक जलाकर और इस घाट पर पूजा अर्चना कर रही हैं। लगातार ये लोग हैं जल में खड़े हुए और यहाँ पर जो गलता घाट की जो गलता घाट पर जो एक आस्था का बड़ा जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो पूजा अर्चना है वो करने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो केले सहित तमाम जो फल फ्रूट जो पूजा की जो सामग्री है वो तमाम लोग लेके आ रहे हैं और यहाँ से जो लोगों का जाने का सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं अब सूर्य अस्त का जो सूर्य को जो अर्घ देते हैं ढलते हुए अर्घ को, अधिकतर जो लोग हैं वो यहाँ से अपनी पूजा खत्म करके वापस अपने घरों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और जो ये भीड़ जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में, कुछ और भी महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। मैडम किस तरह से आप मना रहे हैं छठ का बड़ा पर्व है आज आपके लिए? हाँ बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ा पर्व होता है। हमारी सासू माँ व्रत रखी है, कर रही हैं। आपकी सासू माँ व्रत रखी है? नहीं, हमारे यहाँ एक ही सासू माँ ही रखती हैं। हाँ एक ही रखते हैं। मैडम आपको कैसा लग रहा है जयपुर में आपके घर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा। कल कैसे पूजा होगी, आज तो अर्घ दे दिया? कल भी सुबह ऐसे ही तरह से होगी पूजा। कोई गीत आता है आपको, कोई छठी माता का जो कैसे बनाते हैं? हमको नहीं आता है, हमारी सासू माँ को आता है, हमें नहीं आता गीत। आपको गीत नहीं आते हैं, आपने नहीं सीखे? मैडम आपको आता नहीं? आता मुझे। देखिए कुछ महिलाएं हैं जो लगातार यहाँ पर पूजा कर रही हैं, मैं लगातार आपको तस्वीरें गलता घाट की दिखा रहा हूँ जहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं और एक बड़ा आस्था का जो केंद्र है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि गुलाबी नगरी में तमाम जो त्यौहार हैं तो वो धूमधाम से मनाए जाते हैं। जयपुर में अलग अलग जगहों के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। चलिए विष्णु आपके पास मैं आऊँगी, और भी खास मेहमान हमारे साथ है, देवी सिंह जी हैं, हनीप्रिया हमारे साथ बनी हुई हैं। हनीप्रिया मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए व्रतियाँ जो हैं वो हमें तस्वीरों में नजर आई, हमने डूबते हुए सूर्य की कैसे पूजा की जाती है ये भी देखा, लेकिन कल जब उगते हुए सूर्य की पूजा होगी उसको लेकर अगर आप कोई गीत सुनाना चाहें। जी जी, एक कमाल की बात ये है कि 36 घंटों का निर्जला व्रत हमारी माएँ करती हैं, मेरी माँ भी करती हैं, मैं उनको अर्घ दिलवा के भी आ रही हूँ, पर आप उनसे पूछेंगे ना कि वो किसके लिए करती हैं तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, और जिस तरीके से आज पूजा हुई है उसी विधि विधान से कल सुबह भी अर्घ दिया जाएगा सूर्य को। तो इस पे एक गीत है मैं सुनाना चाहूंगी। केलवा के पात पर आओगे नन सूरज मल झाके झोके, केलवा के पात पर आओगे नन सूरज मल झाके होके, हे करी लो छठ भरतिया से झाके होके, हे करी लो छठ भरतिया से झाके झोके। हम तो से पूछे भरतिया है भरतिया से किकरा लागी, हम तो से पूछे भरतिया है भरतिया से किकरा लागी, हे करी लो छठ भरतिया से किकरा लागी, हे करी लो छठ भरतिया से किकरा लागी। तो बर्तिन कहती है, हम रोजे स्वामी का वनविसन स्वामी से उनके लागी, हम रोजे स्वामी का वनविसन स्वामी से उनके लागी,
करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हम रोजे बेटी कवन वैसन बेटिया से उनके लागी, हम रोजे बेटी कवन वैसन बेटिया से उनके लागी, एक करेली छठ बरतिया से उनके लागी, एक करेली छठ बरतिया से उनके लागी, केलवा के पात पर गेलन तो रोज मल झाके रोके, एक करेली छठ बरतिया से झाके रोके, एक करेली छठ बरतिया से झाके रोके। धन्यवाद जी, बिल्कुल बेहद शानदार ये गीत। और मैं चाहूँगी कुछ कल को लेकर गीत जो है वो देवी सिंह जी भी अगर सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि कल जो है कल आखिरी दिन है और कल उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। बिल्कुल, एक बहुत ही मेरा पॉपुलर गीत है, और किस तरह से व्रती इंतजार करती हैं और किस तरह से अपनी शिकायतें करती हैं सूर्य भगवान से कि और दिन तो आप बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं, आज क्यों इतना देर कर रहे हैं। तो आइए इस पे एक गीत है। आवहो आदिता देवले के किरणिया, आवहो आदिता देवले के किरणिया, दूधवे आराघ देवो रौरे चरनिया, दूधवे आराघ देवो रौरे चरनिया, रोजे रौवा आई बाबा भोरे भिनु सरवा, आज कहे करतानी एतना अबेरवा, रोज रौवा आई बाबा भोरे भिनु सरवा, आज कहे करतानी एतना अबेरवा, बरती के आहो सूरज देव दी दर्शनिया, बरती के आहो सूरज देव दी दर्शनिया, दूधवे अर्घ देवो रौरे चरनिया, दूधवे अर्घ देवो रौरे चरनिया, रतिया के ऐनी देवा ऐनी भोरा हरिया, रहिया करत ऐनी हमा भूई परिया, अमवा के आहो सूरज देव कैनी दतुअनिया, अमवा के आहो सूरज देव कैनी दतुअनिया, दूधवे अर्घ देवो रौरे चरनिया, दूधवे अर्घ देवो रौरे चरनिया, आवहो आदिता देवले के किरणिया, दूधवे अर्घ देवो रौरे चरनिया, दूधवे अर्घ देवो रौरे चरनिया। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत ये गीत। और हमारे साथ देखिए संवाददाता हमारे लगातार बने हुए हैं, जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। विष्णु के पास एक बार फिर से चलते हैं। विष्णु, क्योंकि अब तैयारियां कल को लेकर करेंगी ये महिलाएं, तो ज़रा पूछिए कल को लेकर क्या तैयारियाँ हैं, कितने बजे से घाटों पर लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देवी सिंह जी बता रही थी क्योंकि कैसे व्रतियाँ इंतज़ार करती हैं, और ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है सूर्य का जब इंतज़ार किया जाता है तो थोड़ा देर से वो उगते हैं। बिल्कुल, मैं आपको लगातार जो गलता घाट की तस्वीरें भी दिखा रहा था उसी के साथ अब कल के बारे में भी लोगों से जान लेते हैं कि कल किस तरह से पूजा होगी। मैडम, कल कैसे पूजा होगी, कितने बजे आप अर्घ दोगे सूर्य को, कल कैसे पूजा करेंगे? देखिए, कुछ और महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, जो इस पूजा के बारे में जो लोग हैं वो जानते हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत कराते हैं। और देखिए, लगातार जो लोग हैं वो अर्घ यहाँ स्नान कर रहे हैं। मैडम, कल कैसे पूजा होगी, कितने बजे सूर्य को अर्घ देंगे? सुबह देंगे 6 बजे। 6 बजे कैसे पूजा का क्या टाइम टेबल रहता है, कल कैसे पूजा होती है, क्या तैयारी करते हैं? जैसे आज हुई ना वैसे कल भी होगी। कल उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, आज जैसे कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया है वैसे ही कल उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इसका समापन होगा। और 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, और बिहार वासियों के लिए और पूर्वांचल वालों के लिए बड़ा गर्व का विषय होता है छठ जैसा पर्व। हम कहीं भी रहें, देश में कहीं भी रहें, लेकिन हम सब अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं,
और इसी पर्व के द्वारा हम आपस में मिल जाते हैं, अपनी संस्कृति को याद कर पाते हैं, तो हमें भी बड़ा गर्व का अनुभव होता है। हर देश में हर प्रदेश का अपना अपना एक विशेष महत्व है, वैसे ही छठ का जो पर्व है उसका हम सभी बिहार वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए और समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही महत्व है। मैडम, आपने स्नान किया है, क्या महत्व रहता है स्नान का इस व्रत? इस व्रत की तो सबसे बड़ी महत्ता ये है कि छठी मैया से जो भी मांगे वो पूरा होता है, और हम लोग छठी मैया से यही अर्जी लगाते हैं कि मनोकामना जो है वो पूरी कीजिए, ताकि हम लोग फिर दोबारा छठ करें, यानी छठ का जोड़ा लगाएं, और छठी मैया सबकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करें। बहुत महिमा है छठी मैया की। आज क्या बनाया और कल क्या बनेगा? आज हमने ठेकुआ बनाया है छठी मैया को अर्घ देने के लिए, प्रसाद देने के लिए, तो उसमें फल लगते हैं और ठेकुआ बनता है, वो लगता है। फिर सुबह पारण के लिए वही ठेकुआ आज रात में बनाएंगे तो वो सुबह को लगेगा, और फिर उसके बाद हम लोग अपना व्रत खोलेंगे, यहीं पर हम लोग शरबत पियेंगे और अपना व्रत खोलेंगे उसको। कल भी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उगते हुए सूरज? जी, कल आज अस्त होते हुए सूरज को और कल उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। देखिये, लगातार जो लोग हैं वो इस त्योहार को लेकर उत्साहित हैं, और लगातार मैं आपको तस्वीरें गलता घाट की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस जो छठ का जो महापर्व है उसको मना रहे हैं। और अलग काफी देर से मैं जब से आप मौजूद हूँ देख रहा हूँ, काफी मतलब कई जो लोग हैं वो लगातार जल में खड़े हुए हैं काफी समय से। ठीक है विष्णु, आपके पास मैं आऊंगी और जगजीत के पास भी चलते हैं। जगजीत, अब कल को लेकर क्या तैयारियां की जाएंगी, इस पर जरा बात करिए। जी बिल्कुल, अब कल की क्या तैयारी रहेंगी, सुबह चूँकि लोग घाट में पहुंचेंगे और घाट में पहुंचने के बाद किस तरीके से, देखिए आप लोग जा रहे हैं, दो मिनट कल की क्या तैयारी रहेगी ये तो बता दीजिए दर्शकों को, कैसा रहेगा? कल सुबह सूर्य उगने का पूजा करते हैं और बस हम लोग देखने आए, मतलब उगते सूरज का मतलब पूजा करेंगे एक दो घंटे तक। कैसे करेंगे? अब ये तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो यही हैं, सीजी से हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। तो कौन है यूपी बिहार का? मैं बिहार की हूँ। आप बिहार की है ना, तो बताइए कि कल का सुबह का जो पूजा होता है वो कैसे रहेगा, क्या खास रहे? कल के सुबह पूजा ऐसा खास रहेगा कि उगते हुए सूर्य के हम लोग अर्घ देंगे और सभी व्यक्ति पारण करेंगे मिलके। हमारे लिए बिहारियों का देश का प्रदेश का सबसे बड़ा महत्व है, अच्छा पूजा है, मतलब सबसे बड़ा हम लोग विधि विधान से करते हैं, साफ सुथरा का इसमें किया जाता है। व्रत कब तोड़ेंगी? व्रत कल सुबह तोड़ेंगे। सुबह मतलब सुबेरे भोर में 4 बजे की पूजा के बाद? नहीं, उगते हुए सूरज के हम लोग अर्घ दे के तब तोड़ेंगे उपास। अच्छा, और कुछ खास रहता है इसमें? नहीं, इसमें तो और कुछ खास नहीं है, सूरज भगवान लाली धाम के दिख रहे हैं, लाली दाएंगे और हम लोग उनको अर्घ देंगे, सभी परिवार लेंगे अपना अर्घ और उनको पैर छुएंगे, इसके बाद हम लोग फिर कई घाटों में ये देखा गया है कि रात को रुकने की व्यवस्था वहीं रहती है, यहाँ है बहुत जगह है, यहाँ तो भी आए हैं गायक लोग, क्या तो यहाँ भी तो व्यवस्था है। वो तो रंगारंग कार्यक्रम सभी घाट में रहता है, लेकिन रात की अगर रुकने की व्यवस्था की अगर देखी जाए तो क्या इस घाट में, महादेव घाट में रुकने की व्यवस्था है? हाँ है ना, रुकने का, सुबह खाना पीना भंडारा वगैरह की सब सारी चीज यहाँ व्यवस्था है। बिल्कुल, देखिए अगर आप रुकना चाहती हो इस घाट में तो उसकी भी व्यवस्था है, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। जैसे जैसे अब शाम रात में बदल रहा है, लोग यहाँ पास काफ़ी बढ़ चढ़ करके अब आज के दिन को यादगार बनाने के लिए देखिए किस तरीके से लोग सेल्फी ले रहे हैं, ताकि ये छठ महापर्व का जो महापर्व है ये इसकी याद ताज़ा रहे। आपने पूजा कर लिया? हाँ, हो गया। अब क्या करेंगे आप? कल सुबह छठ पूजा, फिर कल सुबह में पहला, अभी दूसरा। जगजीत, मैं आपके पास आऊंगी, आप बात करिएगा। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी संयोजक, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। सबके कॉलोनीज के अंदर, मोहल्ले के अंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया है, सब लोग अच्छे से पूजन करें, अच्छे से छठी मैया का आशीर्वाद लें और सबको छठी मैया खूब खुश रखें। बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिलके, अभी छठी मैया का पूजा की हमने, बहुत अच्छा लगा। देखिए आप, अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ घाट पर मैं पहुँचा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और शुभकामनाएं भी उन्होंने छठी मैया के इस पावन पर्व को लेकर जो व्रतियाँ हैं उनको दी हैं। और हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए हैं, घाटों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और अब कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मैं चाहूँगी देवी सिंह, क्योंकि देखिए हम छठ के गाने तो सुन ही रहे हैं, अब कल को लेकर कुछ गाने हो जाएं, क्योंकि
बहुत सारे घाटों में तो व्यवस्थाएं इस तरह की गई हैं कि वहां पर ही रात भर जो व्रती महिलाएं हैं वो रहेंगी और फिर सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर वो घर जाएंगी। लेकिन ऐसे में उनके लिए रात बड़ी लंबी होती होगी क्योंकि व्रत है और ये निर्जला व्रत होता है 36 घंटे का। बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगी एक बहुत ही मेरा लोकप्रिय भजन है छठ मैया का, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, वो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। जोड़े जोड़े नारी यारे, जोड़े जोड़े नारी यारे, तो है चढ़ बोना ए छठी मैया, तो है चढ़ बोना ए मैया, मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना हे मैया, मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना। झारी झारी चाऊरा, झारी झारी चाऊरा, चना ने लिपोई बोना हे छठी मैया, चना न लिपोई बोना हे मैया, मोरी पाचे पाचे पुनवा, अखोई चा मैं भरई बोना हे मैया, मोरी पाचे पाचे पुनवा, खोई चा मैं भरई बोना। जोड़े जोड़े नारी यारे, जोड़े जोड़े नारी यारे, तोहे चढ़ई बोना ए छठी मैया, तोहे चढ़ई बोना हे मैया, मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना हे मैया, मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना। तू त जग तारन मैया, तू त जग तारन मैया, तोहे बुलई बोना हे छठी मैया, तोहे बुलई बोना, करके तोहरी हो पूजनवा मैया, सब सुख पइबो ना, करके तो हरी हो पूजनवा मैया, सब सुख पइबो ना। जोड़े जोड़े नारी यारे, जोड़े जोड़े नारी यारे, तोहे चढ़ेबो ना ए छठी मैया, तोहे चढ़ेबो ना हे मैया, मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आइबो ना हे मैया, मोरी पाचे पाचे पनवा, अखोई चा मैं भरइबो ना, करके तो हरी हो पूजनवा मैया, सब सुख पइबो ना। बिल्कुल, हनी प्रिया भी हमारे साथ हैं। हनी प्रिया जी, आपसे भी मैं चाहूंगी कल को लेकर ही गीत, तब तैयारियां कल को लेकर कर रही हैं व्रती महिलाएं। जी जी बिल्कुल, कल तो सारी बर्तन इंतजार करेंगे कब सूर्यदेव उनको दर्शन देंगे। एक बड़ा ही प्यारा गीत है। किदार सनिया सितारे, सितारे दोजे